हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज़ सुमानसी सहगल। फ्रेंड्स, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि हमारे चैनल पे हम लोग आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस बना के देते हैं। सारा काम जो पार्लर में किया जाता है उसके बारे में फुल इन्फॉर्मेशन देते हैं, और बहुत सारी चीज़ें ऐसी जो बहुत सारे आप लोगों के क्वेश्चंस होते हैं उनका सॉल्यूशन भी हम लोग इस चैनल पर करते हैं। तो फ्रेंड्स, पिछले दिनों हम लोगों ने वीडियोस बनाई कि हर सर्विस के लिए क्या क्या सामान चाहिए होता है, ताकि हम अपने पार्लर में एक ही बार लिस्ट बना के ले जाएं और सारा सामान ले आएं। तो फ्रेंड्स, उसके लिए हमने वीडियोस बनाई थी अलग अलग, जो कि आप लोगों को बहुत पसंद आई है। अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है उनका कि आप लोग देख रहे हैं और आप लोगों को समझ आ रही है, और जो लोग नया सैलून खोलना चाहते हैं, अपना पार्लर खोलना चाहते हैं, उनके लिए वीडियोस बहुत हेल्पफुल थी। मैंने सारा उसमें बताया था कि सर्टिफिकेट का क्या मतलब होता है, पार्लर को कैसे ओपन किया जाता है। तो फ्रेंड्स, अब हम उससे जुड़ी और वीडियोस बना रहे हैं। जैसे कि आपने पार्लर शुरू किया, तो ऐसे कौन से फेशियल्स हैं जो कि आपको मतलब अफोर्डेबल हो, आप लें और उनका रिजल्ट भी अच्छा आए। ऐसे कौन से 3 ब्रांड्स हैं जो मैं अपने पार्लर में स्टार्टिंग रेंज में रखती हूँ। मैं अपने पार्लर में बहुत सारे ब्रांड्स रखती हूँ, लेकिन मेरे स्टार्टिंग रेंज क्या है, उसमें मैं कौन से 3 ब्रांड्स का यूज़ करती हूँ। वो 3 ब्रांड आप अपने पार्लर में शुरुआत कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आपको बहुत सारे ब्रांड्स रखने। 3 ब्रांड्स जो मैं बता रही हूँ अफोर्डेबल हैं, आप उनको लीजिए, रिजल्ट्स बहुत अच्छे हैं, अच्छा आप लोग उनसे कमाई कर सकते हैं। तो इसके लिए क्या करेंगे, आप उन 3 ब्रांड्स में से भी 2 चूज़ करके रख सकते हैं, ज़रूरी नहीं है तीनों ही खरीदिए। 3 ब्रांड्स मैं आपको बता देती हूँ जिनके रिज़ल्ट अच्छे हैं। तो सबसे पहला जो ब्रांड हम लोग अफोर्डेबल रेंज में यूज़ करते हैं वो है नेचर्स ब्रांड। बहुत पुराना ब्रांड है जो नेचर्स है, बहुत समय पहले से हम लोग यूज़ करते आ रहे हैं, रिज़ल्ट भी अच्छे हैं इस ब्रांड के। और हम लोग मतलब आप लोग जैसे स्टार्ट करेंगे तो आप लोग कुछ किट उसमें से लेंगे जो आपके लिए यूज़फुल रहेगी सब तरह के क्लाइंट को करने के लिए। एक इसमें इको किट आती है, पपाया किट, फ्रूट किट आती है इसमें जो ऑल स्किन टाइप होती है। अगर आप ओनली पपाया किट खरीदते हैं तो वो क्या करेगा, वो ब्लैमिशेस को कम करने का काम करेगा और जितना भी अनइवन स्किन टोन है उसको ठीक करेगा। और फ्रूट किट ऑल स्किन टाइप होता है, आप किसी भी स्किन पे कर सकते हैं। कोई जैसे यंग बच्ची आई है तो आप उस पर भी कर सकते हैं, एजेड लोगों पे भी कर सकते हैं, सब तरह की एज के लोगों पर आप लोग फ्रूट किट का यूज़ कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, फ्रूट किट की स्टार्टिंग आप लोग अपने पार्लर के अकॉर्डिंग 400-500 से कर सकते हैं, अगर आप नया पार्लर खोल रहे हैं तो। और इसके बाद कुछ किट ऐसी हैं नेचर्स में जिनके रिजल्ट भी अच्छे हैं और आप थोड़ी रेंज बढ़ाकर इन फेशियल्स को भी रख सकते हैं अपने पास। तो उनमें एक फ्रेंड्स, जैसे कि नेचर्स ब्रांड का ये फ्रूट किट है, इससे पहले ये कंटेनर्स में आता था, अभी ट्यूब में कर दिया जब से कोरोना हुआ, उसके बाद से इन्होंने चेंज कर दिया ताकि बार बार कंटेनर में हाथ ना मारा जाए। क्योंकि अभी हम लोग आपको बता रहे हैं कि स्पैचुला का यूज़ करना है, पहले लोग स्पैचुला का यूज़ नहीं करते थे, तो उसकी वजह से जो कंटेनर्स होते थे वो ख़राब हो जाते थे, जितना भी प्रोडक्ट होता था हमारा ख़राब हो जाता था। इसलिए अब जो कंपनीज ने शुरू किया वो ट्यूब बेस में कर दिया, ताकि आप लोग अपने प्रोडक्ट को सेफली निकाल सकें, हाइजीनिक काम हो। उसी के साथ जो हमारा नेक्स्ट किट है वो है एंटी पिगमेंटेशन किट। अगर आपके पास पपाया किट है तो ये किट मत रखिएगा, अगर वो नहीं है तो आप ये वाली किट ले सकते हैं। जिनको भी ब्लैमिशेज हो, पिगमेंटेशन हो, जैसे अनइवन स्किन टोन हो, डार्क पैचेस हो स्किन के ऊपर, तो उसके लिए ये किट बहुत अच्छी है। तो आपको पता है ऐसे जो क्लाइंट हैं बहुत सारे आते हैं जिनका अनइवन स्किन टोन होता है, पिगमेंटेशन के क्लाइंट बहुत ज़्यादा आते हैं, और जिनको टैनिंग होता है वो वाले क्लाइंट ज़्यादा होते हैं। तो टैनिंग वालों के लिए अलग से, हालांकि इन्होंने निकाली हुई है, तो आप पिगमेंटेशन के लिए वाली रख सकते हैं। टैनिंग के लिए मैं बताती हूँ इनकी किट है। उसके बाद जो हमारी किट है स्किन वाइटनिंग, वाइटनिंग फेशियल बहुत सारे लोग चाहते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, इसको करा के आपका जो क्लाइंट है वो गोरा हो जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं होता। कुछ वाइटनिंग इफ़ेक्ट्स आते हैं, जैसे स्किन टोन पहले से थोड़ा बेटर हो जाता है। ऐसी श्योरिटी किसी भी चीज़ की आप नहीं लेंगे कि हम आपको गोरा कर देंगे, गोरा कोई नहीं कर सकता। गोरा जो होता है वो इंटरनल चीज़ों से ही होते हैं, आप लोग इससे करके स्किन को अच्छे से क्लीन कर सकते हैं। कुछ हल्का फुल्का जो भी कोई भी फेशियल कराए थोड़ा स्किन वाइटनिंग का इफेक्ट आता ही है, तो स्किन वाइटनिंग किट है, इसके रिज़ल्ट अच्छे हैं, ये आप लोग ले सकते हैं। तो 3 किट हो गई हमारे पास, एक हो गई फ्रूट किट, एक हो गई एंटी पिगमेंटेशन, एक हो गई स्किन वाइटनिंग। अब आपको अगर टैनिंग की प्रॉब्लम है तो आप ये एंटी टैन किट भी ले सकते हैं, ये जो जिनको भी टैन की प्रॉब्लम हो वो इस किट के यूज़ करेंगे तो टैनिंग की प्रॉब्लम कम हो जाएगी। जिनका रंग सांवला हो और धूप से बहुत सारे पैचेज हो गए हों स्किन के ऊपर, तब आप ये वाला किट का यूज़ कर सकते हैं। तो ये नेचर्स की होगी एंटी टैन किट, आप इन किट के नाम लिख भी सकते हैं ताकि आप लोग इजीली मंगवा लें। इसके बाद आती है नेचर्स ब्रांड की एंटी एजिंग क्रीम।
अब ये क्लाइंट हमारे पास आता है जिनके एजिंग इफेक्ट होते हैं, 30 प्लस एज होती है, 35 प्लस एज होती है, इन लोगों को जैसे रिंकल्स की प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है, ड्राई स्किन होती है बहुत ज़्यादा, तो उनके लिए ये जो फेशियल है एंटी एजिंग, ये आप यूज़ में ले सकते हैं, बहुत अच्छे मतलब इसके रिजल्ट्स हैं। तो आपकी एक रेंज बन जाएगी फेशियल की, जिनमें आप नेचर्स ब्रांड के फेशियल रखेंगे। आप इन फेशियल्स को 500 से स्टार्ट करके 1200 तक क्लाइंट से ले सकते हैं। रेट लिस्ट आपको खुद प्रिपेयर करनी होती है कि रेट लिस्ट कैसे बनाएं। आपको लगता है जो किट हमारी सस्ती है उस हिसाब से आप उनको रेट लिस्ट को बनाना स्टार्ट कीजिए। और फ्रेंड्स, आप लोग देखेंगे आपके वहाँ का इन्वायरमेंट कैसा है, वो लोग कितना पे करते हैं, ये भी देखेंगे कि आपको क्या कॉस्टिंग पड़ रही है, आपके यहाँ कितना स्टाफ है, या आप लाइट का कितना खर्चा कर रहे हैं, या मतलब बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे खर्चे होते हैं हमारे पार्लर में, उन सबको आप लेकर चलेंगे। आप कितनी फैसिलिटी दे रहे हैं अपने क्लाइंट को, अगर आप खूब सारी फैसिलिटीज़ के साथ अपना पार्लर चला रहे हैं तो आप आराम से इसको 1000 रुपये तक पे कर सकते हैं। और फ्रेंड्स, इसके बाद जो हमारा सेकंड रेंज है वो है वैदिक लाइन के फेशियल्स की। तो वैदिक लाइन के फेशियल्स का रिज़ल्ट नेचर से थोड़ा अपर में आता है, बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं वैदिक लाइन के। इनको आप आराम से किसी भी स्किन के लिए अप्लाई कर सकते हो, यूज़ कर सकते हो। इसमें भी बहुत सारे वेरिएंट आते हैं, तो मैं आपको बता दूं मैं अपने पार्लर में कौन कौन से रखती हूँ। आप इनमें से 2-3 या 4 रख लीजिएगा अगर आप वैदिक लाइन यूज़ करते हैं तो। एक मैंने रखा है फ्रूट ट्रॉपिकैनो, जो कि फ्रूट किट है। इसको आप ऑल स्किन टाइप है, किसी भी स्किन पर यूज़ कर सकते हैं, यूथफुल लुक देगा, ग्लोइंग लुक देगा। इसके बाद है फ्लावर पावर, ये किट आप ज़रूर लीजिए क्योंकि बहुत सारे क्लाइंट्स आते हैं सेंसिटिव स्किन के, तो जैसे कि गर्ल्स न्यू फेशियल कराना शुरू करना चाहती हैं तो तब आपको फ्लावर पावर फेशियल की बहुत नीड रहेगी। इस फेशियल से क्या होगा, जिसके भी आप फर्स्ट टाइम करेंगे उसको कोई दिक्कत नहीं होगी, बहुत अच्छे रिजल्ट के साथ ये किट है। तो आप इस किट को ज़रूर रखिए, जितनी भी सेंसिटिविटी स्किन में होती है इस किट से उन स्किन वालों को कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती। तो मैं बहुत लंबे समय से इस किट को यूज़ कर रही हूँ, फ्लावर पावर किट आप भी यूज़ कीजिए। इसके बाद है हमारा ये एंटी एजिंग स्किन, मैच्योर स्किन के लिए फेशियल है वाइन का। इसका नाम है बायोरिदम फेशियल किट है, ये जो है ग्रेप एक्सट्रैक्ट है। तो ये 30 प्लस जो होते हैं उनके काम में आती है, ज़रूरी हो तो रखिएगा, बाकी आप अगर नेचर्स की ले लेंगे एंटी एजिंग तो इसकी नीड आपको नहीं रहेगी। इसके बाद अल्फ़ा वाइटनिंग, जो कि मैंने आपको नेचर्स में बताया था वाइटनिंग किट है, इसी तरीके से वैदिक लाइन में है अल्फ़ा वाइटनिंग फेशियल किट। इसके रिजल्ट बहुत अच्छे हैं वैदिक लाइन के, जो जितने भी किट हैं नुकसान कुछ भी नहीं करते, रिजल्ट्स अच्छे आते हैं, तो वैदिक लाइन आप लोग परचेज कर सकते हैं। इसके बाद हमारी है ओन ग्लो किट, ज़रूरी नहीं है आप इसको रखें, अगर आप वाइटनिंग की रख रहे हैं तो उसका काम भी यही है, वाइटनिंग देना, ग्लो देना। तो आपको जो अच्छी लगे आप वो किट रख सकते हैं। हमें एक रेंज रखनी पड़ती है अपने पार्लर में, जैसे जैसे आपका काम बढ़ता जाएगा वैसे वैसे आप खुद ब खुद किट को भी बढ़ाना शुरू कर देंगे, लेकिन स्टार्टिंग है तो बहुत सारा माल आप लोग मत डलवाइएगा, 3-3 किट रखिएगा, इससे ज़्यादा मत रखिएगा। किट बड़ी वाली मत लाइएगा, जो कि मैं इको किट कह रही हूँ वो मत लीजिएगा, आप छोटी छोटी किट लीजिएगा ताकि आप लाएँ और ख़त्म हो जाए। आपको पता है डेट निकल जाती है, तो आप छोटी किट का यूज़ करेंगे तो आपको कोई चिंता नहीं रहेगी, डेट नहीं निकलेगी, आपका प्रोडक्ट यूज़ में आ जाएगा। अगर आप इको किट रख लेते हैं तो उसका क्या होगा, आपकी डेट निकल जाएगी, वो आपका वेस्ट हो जाएगा। तो इसमें हम लालच नहीं करेंगे, हम छोटी किट का ही यूज़ करेंगे भले थोड़ी कॉस्टली पड़े। ये पपाया फेशियल जो मैंने आपको बताया था पिगमेंटेशन के लिए होता है, तो हम इसमें से कोई भी, मैंने आपको बताया बहुत सारे ब्रांड्स आते हैं, जो आपको अच्छा लगे आप वो ब्रांड यूज़ कर सकते हैं। तो ये हो गए हमारे नॉर्मल फेशियल्स, जो हम लोग ऑल स्किन टाइप्स जैसे प्रॉब्लमेटिक स्किन आती है उनको भी दे सकते हैं, और जो रेगुलर फेशियल्स कराते हैं एज के अकॉर्डिंग, स्किन के अकॉर्डिंग, उनको हम ये फेशियल्स दे सकते हैं। फ्रेंड्स, अब जो बात करने जा रही हूँ वो है ब्राइडल फेशियल्स की। अगर आप ऐसे फेशियल्स अपने ब्रांड पार्लर में रखेंगे तो आपको नीड रहेगी, बाई चांस ब्राइड्स भी आएंगी, अगर आप काम शुरू करेंगे तो आनी भी चाहिए, जैसे आपका काम अच्छा होगा तो ब्राइड्स अपने आप से आएंगी। तो ब्राइडल फेशियल शुरू करने के लिए हम कौन सा ब्रांड रखें जिसके रिजल्ट अच्छे हैं, तो वो ब्रांड है VLCC। तो VLCC के आप 4 से 5 फेशियल रखिए जिनके रिजल्ट बहुत अच्छे हैं, मैं आपको दिखा देती हूँ। VLCC में मैं यूज़ करती हूँ डायमंड फेशियल, ऑल स्किन टाइप है, फेयरनेस का इफेक्ट भी देता है, अच्छे रिजल्ट्स हैं। और एक मैं यूज़ करती हूँ पर्ल फेशियल, जिनका स्किन टोन डार्क होता है, स्किन ड्राई होती है, उनके लिए भी ये फेशियल बहुत अच्छा है। और एक मैं यूज़ करती हूँ गोल्ड फेशियल, गोल्ड फेशियल आपको पता है फेयर स्किन के लिए होता है और
जिनकी स्किन ड्राई हो उन पे काम करता है। एक आप इसमें सिल्वर फेशियल भी रख सकते हैं जो सेंसिटिव ब्राइड्स के काम में आएगा। तो गोल्ड फेशियल आप लोग जो देंगे ज़रूरी नहीं है, मतलब ऑल स्किन टाइप होता है, कोशिश करिए कि आप लोग मीडियम टू फेयर स्किन पे दीजिए, डार्क स्किन पे गोल्ड मत दीजिए, फेयर टू मीडियम टू फेयर स्किन पे हम लोग गोल्ड करेंगे तो बहुत अच्छा इफ़ेक्ट आएगा। तो इसके साथ क्या है कि हम लोग ये ड्राई स्किन पे करेंगे इससे काम। इसके बाद जो हम लोग पर्ल किट है वो भी ड्राई स्किन के लिए होती है, फेयरनेस का इफेक्ट देती। तो आप इससे क्या सिटिंग्स बना सकते हैं अपने क्लाइंट की। सिटिंग कैसे बनाएंगे, पहला फेशियल आपने पर्ल दे दिया उनको, और जो सेकंड फेशियल है अगर आप तीन देते हैं तो इस तरीके से दे सकते हैं। अगर आप दो देते हैं तो पहला पर्ल दे दिया, उसमें डायमंड या गोल्ड में से आपने एक दे दिया। अगर आप तीन दे रहे हैं तो पहला पर्ल दे दिया आपने, और दूसरा आपने दे दिया सिल्वर, और तीसरा डायमंड या गोल्ड में से एक, स्किन के अकॉर्डिंग जो आपको लगे कि स्किन को ये देना चाहिए उसके अकॉर्डिंग आप लोग फेशियल्स दे सकते हैं। तो फ्रेंड्स तीन किट आप इसमें रख लीजिए VLCC में, और वैदिक लाइन या नेचर्स में से आप चूज़ कीजिए कि आपको कौन सा ब्रांड रखना है। तो फ्रेंड्स इसी के साथ हमारा आज का ये वीडियो जिसमें मैंने आपको अफोर्डेबल फेशियल्स बताए हैं ख़त्म होता है। नेक्स्ट वीडियो में मैं लेकर आऊँगी मीडियम रेंज के फेशियल्स, जिसमें आपको पता लगेगा कि मीडियम रेंज में हमें कौन कौन से फेशियल रखने हैं, जिससे मतलब आपके एक लोवर से एक आप लोग बेटर की तरफ मूव करने जा रहे हैं। इसके बाद वाले जो तीन फेशियल्स होंगे रेंज उनकी भी ठीक ठाक रहेगी, लेकिन आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स के साथ आप कंपेयर करके अपने क्लाइंट को दे सकते हैं कि ये हमने तीन रेंज इस फेशियल की रखी है, इन फेशियल्स की हमने रेंज रखी है। एक फेशियल जो हम लोग सेकेंड रेंज रखने जा रहे हैं वो इनसे अपर फेशियल्स के, जो हम लोग भी अपने पार्लर्स में इसी तरीके से रखते हैं। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगली वीडियो देखने के लिए हमारे साथ ऐसे ही बने रहिए। थैंक यू सो मच।